जिसका नाम कई बार चुनावों में लिया गया, घोषणा पत्र में लिया गया और मौजूदा जब बजट पेश किया गया तो इसके लिए भी बकायदा बजट जो है पास हुआ है। किस तरीके से जो महतारी वंदन योजना है, कितने लाभार्थी होंगे इसमें और कितना फायदा मिलने वाला है इसका? सनात रैली है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, एक महती सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने महतारी बंधन योजना का जिक्र किया और उस योजना की जो राशि है 8 मार्च को महिलाओं के खाते में जारी करने की बात उन्होंने कही है, जिक्र अपने उद्बोधन में किया है। तो साफ है अभी तक 62 लाख से अधिक महिलाओं ने महतारी बंधन योजना के लिए आवेदन किया है, फार्म भरा है, बकायदा उनकी स्कूटनि है अलग अलग स्तर पर की जा रही है। जो प्रदेश की पात्र महिलाएं हैं जो 21 वर्ष की उम्र है और 21 वर्ष से जो विवाहिता है उसके उनको और उसके साथ साथ विधवा और परित्यक्ता जो महिला है उनके खाते में सालाना 12,000 रुपया और मासिक 1,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर होगा। और ये संकेत दे दिया है कि 8 मार्च को सभी जो पात्र हितग्राही हैं उनके खातों में किसकी राशि है वो चली जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा है, तिथि को लेकर के संशय की स्थिति जरूर थी, कब आएगा इसका पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब खुद डिप्टी सीएम अरुण साव कह दिए हैं कि 8 मार्च को राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। तो ये प्रदेश के महिलाओं के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए।